दोस्तों आज का वीडियो में अपन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आए दिन लोगों को इस चीज की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि जब भी दहेज 498 केस की पुलिस एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद में एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहिए या 41 सीआरपीसी का नोटिस लेना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहली स्टेप होती है, पहली स्टेप पे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे, क्योंकि ये मामला पुलिस से रिलेटेड होता है, इस वजह से लोगों को काफ़ी यहाँ पर दिक्कत क्रिएट होती है। तो इस टॉपिक पर पूरी डिटेल में आज की वीडियो अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में इंस्टाग्राम का लिंक होता है। अगर आप पर्सनल बात करना चाहते हो तो नंबर डिटेल सब नीचे डिस्कशन में लिखी होती है। तो दोस्तों आज बात करते हैं अपन, जब भी 498 की एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर से पहले हमेशा एक पॉइंट याद रखिए कि आपकी कंप्लेंट दर्ज होती है 90%। कहीं मामले होते हैं जिनमें डायरेक्टली होती, कुछ परसेंट होते हैं, 10% मामले होंगे जिसमें डायरेक्टली एफआईआर दर्ज हो जाती है, अदरवाइज आपकी पहले ही कंप्लेंट होती है, चाहे वो महिला सेल में, महिला थाने में, चाहे पुलिस थाने में, कहीं भी आप चले जाइए, सबसे पहले आपकी कंप्लेंट ही दर्ज होती है। अब कंप्लेंट दर्ज होने के बाद आपके पास काउंसलिंग का ऑफर होता है, काउंसलिंग आप हस्बैंड वाइफ करते हो, काउंसलिंग में अगर आपकी बात नहीं बनती है तो उसके बाद में आपकी पुलिस एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आपको कॉल करती है, कॉल करने के बाद आपको पुलिस थाने में बुलाती है, आपको वहाँ पे एक प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट ये होने लग जाती है आपके माइंड में कि पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी, दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है कि जो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें क्या क्या सेक्शन लगे हैं, क्या सेक्शन नहीं लगे, ये आपको आयो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो कॉल पर ही बता देता है कि आपके खिलाफ़ ये एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें ये सेक्शन लगे हुए हैं। अब आपको ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों कि मामला पुलिस का होता है, पुलिस अपने तरीके से काम करती है, तो इस जगह पे आपको ये चीज़ समझना है कि जो आपके अवेलेबल ओपेंस लगे हुए हैं, नॉन अवेलेबल ओपेंस लगे हुए हैं, सिचुएशन यहाँ पे लगी है। जैसे यहाँ पे 498 का मामला बना है, 498 के साथ में 504, 506, 406, ठीक है, 354, 377, 376 किसी फैमिली पे, 307, 324, 325 ऐसा कोई मामला बना हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपको भैया एंटीसिपेटरी बेल की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पुलिस हरासमेंट करती है। कहीं वीडियो में आप कहोगे सर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए मना करते हो, आपका पास खुद कह रहे हो कि आप एंटीसिपेटरी बेल लगाइए, एक्चुअल में क्या होता है कि दोस्तों कहीं बार पुलिस होती है जो इतना हरासमेंट करती है और ये आपको एक दे देती है कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस किया है, आपने ऐसा क्राइम किया है, कुछ ना कुछ सबूत वह इकट्ठा कर लेते हैं, मिसेज के पास भी आपके कुछ ना कुछ ऐसा सबूत होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट होती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो उनका बहाना देते हुए पुलिस आपको पीसी मतलब पुलिस कस्टडी में रख लेती है या दो दिन के लिए, तो वहां पे आपको दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि आईओ से आप कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। पहली स्टेप तो आप ये करिए कि किसी थर्ड पर्सन को आप मत जाइए, कोई भी फैमिली को या कोई भी एडवोकेट के साथ में आपका फैमिली मेंबर जाके बात करिए, आईओ साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आपको वहां पर ही मामला क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आपको 41 सीआरपीसी या नोटिस दे देता है तो उसके बाद में आप आईओ के पास खुद भी जा सकते हो, जिन जिन के नाम हैं उनके भी जा सकते हो, फिर दिक्कत आपको क्रिएट नहीं होगी। कहीं पर क्या होता है कि आपको बुला के अरेस्ट मेमो भी सिग्नेचर करा लेते हैं, मतलब आपको अरेस्ट करने के विचार में रहती है पुलिस, तो इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले ये चीज़ को फॉलो करना होता है कि वाकई पहले किसी थर्ड पर्सन को भेज के, जैसे वकील के या किसी फैमिली मेम्बर का जिसका नाम इंक्लूड नहीं है, उन लोगों को भेज के आईओ से कॉन्टेक्ट कराइए, आईओ से बात कराए कि वाकई मैटर क्या है क्या नहीं है, पूरी जानने की कोशिश कीजिए, आईओ का क्या चार है, आईओ क्या सपोर्टिंग है या नहीं है, वो पूरी जानकारी आपको जानना ही पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना होता है, अगर आपको सीआरपीसी 41 का नोटिस दे दिया जाता है तो आप इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का सपोर्ट कीजिए। अगर आप पुलिस का सपोर्ट करते हो इन्वेस्टिगेशन में, जो आप पे एलिगेशन लगे जैसे 354 376 इस तरह के जो सेक्शन 307 326 25 इस तरह के सेक्शन होते हैं दोस्तों, तो इनको पुलिस आपसे रिमूव कर सकती है इन्वेस्टिगेशन में, अगर आप अच्छा प्रॉपर कोऑपरेट करते हो पुलिस को और एविडेंस नहीं पाए जाते आपकी मिसेज के पास, तो डेफिनेटली उनको रिमूव करने का आयोग के पास पावर होता है। तो आपका एंटीसिपेटरी बिल तब नहीं लेनी है, चार्जशीट बनने के बाद आपका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी सीआरपीसी 173 में, तो वहाँ पर जाने के बाद आप फिर आपको रेगुलर बिल लेना पड़ता है। तो सीआरपीसी नोटिस 41 का नोटिस आपको मिल जाता है तो फिर आपको डरना नहीं है, आराम से आप पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, पुलिस आपको सपोर्ट करेगी, जितना आप पुलिस को कोऑपरेट करोगे उतना ही पुलिस आपको सपोर्ट करती है हमेशा, तो इस बात का ध्यान रखिए हमेशा। एंटीसिपेटरी बेल उस सिचुएशन में लीजिए कि आईओ का डिपेंड और आईओ का क्या विचार है, कहीं पर क्या होता है कि पॉलिटिक्स प्रेशर होता है लड़की की तरफ से, कहीं पर आजकल जेक चेक ज्यादा ही चलते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको फिर एंटीसिपेटरी बेल की तरफ चले जाना,
नहीं तो आपको दिक्कत पुलिस क्रिएट कर देती है। मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट वालों के साथ भी काफ़ी दिक्कत होती रहती है, कहीं लोगों के साथ ही होती है। कहीं बार पुलिस क्या करती है, 498 503 जैसे मामलों में भी अरेस्ट कर लेती है। तो पुलिस का एक तरीका होता है काम करने का, वो अलग ही चीज़ का होता है। तो इस चीज़ के लिए आपको ये सावधानी बरतनी होती है कि सबसे पहले आप अपने वकील को भेजिए, उसके साथ किसी रिलेटिव को देखिए, आयु का विचार कैसा है, आयु सपोर्टिंग है नहीं कर रहा, आयु आपको अरेस्ट करना चाह रहा नहीं करना चाह रहा, ये सब डिटेल आप जब पहली बार किसी को भेजोगे बात करके आओगे तो डेफिनेटली आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद अगर आपको CRPC 41A का नोटिस दे देता है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दे रहा आपको लग रहा है कि अरेस्टिंग करेगा तो फिर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले जाइए। तो दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेसिंग होता है फर्स्ट में, जब आपकी पुलिस FIR दर्ज होती है तो इस सिचुएशन में आप ये प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आपको कोई भी कमेंट में सवाल छोड़ सकते हो। चले आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।